हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा होता है, उसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, जिसमें पाँच ग्रुप्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोआज। जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होने की वजह से उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी वेल डेवलप्ड होती हैं। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजिला और सीलिया होता है। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा को पांच ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, देन डीनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोआज। इन सभी ग्रुप्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं और इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इस ग्रुप में डाई एटम्स और गोल्डन एल्गीज आती हैं। ये पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन एनवायरनमेंट भी पाई जा सकती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं और ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लो करती हैं, यानी कि ये खुद लोकोमोशन नहीं करती हैं और वाटर करंट के साथ ये बहती चली जाती हैं। ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होती है और जो हम बोलते हैं ना प्लैंकटन्स, तो वो जो प्लैंकटन्स होते हैं वो यही होते हैं, क्राइसोफाइट्स ही। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। अगर हम डाई एटम्स की बात करें तो इनकी सेल वॉल्स जो ओवरलैपिंग शेल टाइप बना लेती हैं और इस तरीके से लगता है जैसे कि सोप बॉक्स हो। The walls are embedded with silica and the walls are indestructible. जो walls होती हैं वो silica से मिलके बनी होती हैं और walls indestructible होती हैं, यानी उनको destruct नहीं किया जा सकता। जो die atoms होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं यानी जो उनका habitat होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा cell wall deposit हो जाता है कि उस जगह को बोला जाता है फिर diatomaceous earth. द सॉइल इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप्स। तो ये जो डाई एटमेशियस अर्थ बन जाती है सेल वॉल के डिपॉजिट होने की वजह से, फिर जो वो सॉइल होती है उसको यूज़ किया जाता है पॉलिश करने के लिए, ऑयल और सीरप को फिल्टर करने के लिए। फिर आते हैं डीनोफ्लैजेलेट्स। डीनोफ्लैजेलेट्स सेकेंड ग्रुप है हमारे प्रोटिस्टा का। डीनोफ्लैजेलेट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मोस्टली मेरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो भी दिख सकते हैं, ग्रीन भी दिख सकते हैं, ब्राउन भी दिख सकते हैं, ब्लू और रेड भी दिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो इनका मेन पिगमेंट है वो कैसा है, यानी जो सेल्स में मेन पिगमेंट है वो कैसा है। अगर वो रेड कलर पिगमेंट होगा तो रेड दिखेगा, येलो कलर पिगमेंट होगा तो येलो दिखेगा। दी सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट ऑन द आउटर सर्फेस। जो इनकी सेल वॉल होती है उस पर स्टिफ सेलुलोसिक की लेयर होती है, यानी सेलुलोस से बनी हुई लेयर होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और एक होता है ट्रांसवर्सली। रेड डीनोफ्लैजेलेट की अगर हम बात करें तो रेड डीनोफ्लैजेलेट इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि सारी सी को यानी सारे समुद्र को वो लाल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी जगह देखी होंगी वाटर बॉडीज जो बिल्कुल लाल हो जाती हैं, तो वो इनकी वजह से ही होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि जब ये इतने लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई करे होते हैं तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन एक तो इनकी कलर की वजह से रेड हो जाती है, फिर क्या करते हैं ये टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं और उनकी इस टॉक्सिन की वजह से बाकी जो मैराइन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, यानी और जो फिशेस वगैरह हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर। वैसे तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कभी कभी ये स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में भी पाए जाते हैं, पर रुका हुआ भी पानी जो होगा वो सड़ा हुआ नहीं होगा, यानी कि वो फ्रेश होना चाहिए। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देम फ्लेक्सिबल। इनके पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती जैसे कि डीनोफ्लैजेलेट्स
के पास थी या क्रेसोफाइट्स के पास थी। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल भी बोलते हैं, वो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, पर अगर सनलाइट इनको ना मिले तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। दे प्रेडेट ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। होता ये है कि जब इनके पास सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर जब सनलाइट नहीं होती है तो ये दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। इनके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही पिगमेंट हायर प्लांट्स में भी पाया जाते हैं। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इससे हमें ये बात पता चलती है कि हो सकता है जो प्लांट्स हैं वो यूग्लिनॉइड से ही इवॉल्व हुए हों। तो इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब बात करते हैं स्लाइम माउल्ड्स की। स्लाइम माउल्ड्स की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल। ये डेड और डिके पर डिपेंड करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। होता ये है कि जब इनको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग इनको कंडीशन मिल जाती है, तो ये एग्रीगेट कर लेते हैं और एग्रीगेट करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये बहुत दूर तक फैल जाते हैं, इतने ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करते हैं। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मोडियम, और क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जिनकी टिप्स पर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स इसलिए बना लेते हैं ताकि ये अपने आप को बचा के रख सके, और जैसे ही इनको अच्छी कंडीशन मिलती है, ये स्पोर्स दोबारा से एक अडल्ट स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स एंड आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्टाइल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाए रखते हैं स्पोर्स के फॉर्म में, क्योंकि स्पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंड कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। फिर आते हैं प्रोटोजोआज। जो सभी प्रोटोजोआ होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दे आर इधर पैरासाइट और प्रिडेटर, या तो ये पैरासाइट होंगे या प्रिडेटर होंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ऐसा बोला जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। इनको चार ग्रुप्स में बांटा गया है, तो प्रोटोजोआ को फर्दर चार ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला प्रोटोजोआ आता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, लिव्स इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज एन अमीबा। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा इसका एक मेंबर होगा। तो इनका खाना लेने का या कैप्चर करने का तरीका ये होता है कि इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, फिर प्रे को उसके मतलब कि एरिया में ले लेते हैं और फिर उस स्यूडोपोडिया को बंद कर लेते हैं और एनगल्फ कर लेते हैं। तो ये इनका तरीका होता है फूड लेने का। जो इनकी मराइन फॉर्म्स होती हैं, उनके पास सिलिका शेल होते हैं। सम ऑफ देम लाइक एंटा अमीबा पैरासाइट, पर कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोआ जैसे कि एंटा अमीबा पैरासिटिक भी होते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल होगा ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। दे पैरासाइट फॉर्म्स कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो इसके जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ के, वो क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भी कर सकते हैं। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास सीलिया होते हैं। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनके पास एक कैविटी होती है गुलेट, जिसकी मदद से ये बाहर से कुछ भी चीज़ ले सकते हैं क्योंकि वो आउटसाइड ओपन होती है। दे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेड इन टू द गुलेट, एग्जाम्पल पैरामोशियम। अब क्या होता है कि सीलिया का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चलता है, ठीक है, मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो उस कैविटी तक पहुंच जाता है और जो पैरामीशियम होता है वो उसको अपने अंदर ले लेता है, एनगल्फ कर लेता है। तो इनका तरीका ये होता है कि सीलिया गुलेट तक लेके आएगा और फिर वो अंदर एनगल्फ कर लेगा, एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम।
फिर आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की अगर बात करें तो ये इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं और उसमें स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर या स्पोर्स लाइक स्टेज उनकी लाइफ में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉजिंग होता है, ठीक है, और ये ऐसा होता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो भी किंगडम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।